स्टूडेंट्स आर एंटरिंग. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 2.1. फिल इन द ब्लैंक्स. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब. यू नो 1 सेंटीमीटर इज हाउ मच? 10^-2 मीटर. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब. आपको फाइंड करना है साइड 1 सेंटीमीटर का मतलब 0.01 मीटर हो गए. तो क्यूब आप ले लो एल क्यूब, वॉल्यूम आप ले लो एल क्यूब. तो 0.01 का क्यूब कितना होगा? 10^-6. सो इसका आंसर है 10^-6 मीटर क्यूब. ओके, इट्स आंसर इज 10^-6 मीटर क्यूब. All right? Is that okay? चलिए सेकेंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट इज क्लियर टू यू. बी पार्ट इज द सर्फेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर स्क्वेयर. So these questions are just to practice whether you are aware of conversions. We did a long table जहां पे सभी की values थी. तो सर्फेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे? पाई आर स्क्वेयर एच. ये वॉल्यूम होता है ना, तो 2πRH यूज कर लेना. 2πRH जस्ट टेक केयर ऑफ द यूनिट्स. 1 मिलीमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर. तो दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद आप सॉल्व करके एरिया निकाल दो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ व्हीकल मूविंग विद स्पीड. हो गया, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3. इट्स डेंसिटी इज हाउ मच इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो आपने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज डेंसिटी ऑफ लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. और क्योंकि अगर हम सपोज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो आपकी डेंसिटी ऑफ लेड कितनी होगी? 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए, density of substance over density of water. So 11.3 is equal to density of lead over 1, क्योंकि density of water है 1 gram per centimeter cube. Density of lead है 1 gram per centimeter cube. So our answer is density of lead is 11.3 gram per centimeter cube. 11.3 gram per centimeter cube, that is our answer. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्या बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यस मैम. Find fill in the blanks by suitable conversion of units. First time 1 kg. हाँ, ये देखो 1 kg meter square per second square. ये क्या होता है? That is 1 joule. 1 kg meter square per second square 1 joule है. And equal to how many gram centimeter square per second square? ये क्या है? अर्ग. क्योंकि देखिए 1 joule is 1 newton meter. और 1 newton कितना होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो न्यूटन इनटू मीटर बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. और अर्ग आपका बन गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये सिर्फ ये पूछ रहे हैं 1 joule में कितने अर्ग होते हैं. सो 1 joule में 10^7 अर्ग होते हैं. दिस इज द आंसर. ठीक है, नाउ बी पार्ट इज 1 meter इज हाउ मेनी लाइट ईयर्स. 1 meter is how many light years? ये क्वेश्चन है. आपको पता है 1 light year में कितने meters होते हैं? 9.46 × 10^15 meter. तो 1 meter कितना हुआ? 1/9.46 × 10^15 light year.
तो बस ये आपको सॉल्व करना है, 1/9.46 × 10^15 ये आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट 3 m/s² इज हाउ मेनी किलोमीटर पर आर स्क्वेयर, इसमें आपको क्या करना है, 3 m/s². मीटर को आपने लिख लेना है 1/1000 km और 1 s को आप क्या लिखोगे, 1/3600 hours. तो आप इसका मतलब क्या करने वाले हो, इसमें 3600 से मल्टीप्लाई करोगे और 1000 से डिवाइड करोगे. सो मल्टीप्लाई दिस बाय 3600 एंड डिवाइडेड बाय 1000. आगे डी पार्ट जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है आपने. वो आप डायमेंशनली भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो सिंपली. तो ये आपका आंसर आएगा, 1 N को 10^5 डाइन में कन्वर्ट कर दोगे, मीटर को 100 cm और किलोग्राम को 1000 g, तो आपका आंसर आएगा 6.67 × 10^-, कितना चलिए सॉल्व करके बताइए मुझे. हरी अब कैपिटल जी को सीजीएस यूनिट्स में कन्वर्ट करिए, टेल मी द आंसर. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, हरी अब चलिए आंसर बताइए. यूनिट्स इनटू द अदर, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू द अदर. तो ये जो आपको दिए हुए ये क्या है, M2, L2 एंड T2. आपके M1, L1 और T1 क्या है, दे आर सेइंग कि आपका ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है 4.2 कैलोरी. ठीक है, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी मीन्स 4.2 जूल. तो दैट मीन्स आपका जो प्रीवियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है 4.2 जूल है, आपने इसको इस न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना. ठीक है, सो दैट मीन्स योर वैल्यू ऑफ M1, L1, T1, जूल तो ऐसा ही सिस्टम है, MK सिस्टम है. तो ये हो गया आपका kg, मीटर एंड सेकेंड. ठीक है, और N1 है आपका 4.2, N2 आपको फाइंड आउट करना है. सो दिस इज द क्वेश्चन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, अब कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, एनर्जी. तो एनर्जी की डायमेंशंस होती है M1, L2, T-2. तो ये आपको ABC मिल गई. सो लेट अस यूज द फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू N1. करिए इसको, चलिए जल्दी से अपना सॉल्व करना स्टार्ट करिए, साइड बाय साइड आई एम सॉल्विंग. करिए हरी अब, चलिए पुट इन द वैल्यूज 4.2. तो ये आ गया 1 kg, ये आ गया आपका 1 kg. सॉल्व करिए, बिल्कुल इतना ही आएगा इसको सॉल्व करने के बाद. 1 kg ओवर अल्फा kg, kg कैंसिल हो गया, तो ये अल्फा रेस्ट पा -1 हो गया. नेक्स्ट टर्म में आपका क्या आया, 1 m/β m. ठीक है, उसकी पावर है 2, तो ये हो गया β-2. और थर्ड टर्म जो आपकी 1 s/γ, आपका सेकेंड कैंसिल हो गया, पर उसकी पावर थी -2, तो ये γ+2 हो गया. तो वही आपके पास आ गया 4.2 अल्फा -2 β-2 γ2. तो ये बिल्कुल उसी मेथड से आपके पास रिलेशनशिप आया. इज दैट क्लियर? ठीक है काव्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. यस मैम, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली. टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी large or small is meaningless without specifying a standard for comparison. In view of this, reframe the following statements wherever necessary. First statement, atoms are very small objects. ये इसको रहने दो, ये conceptual, अगला करूँ, अगला छोड़ू. Numerical देखो. Okay ma'am. A new unit of length is chosen. 10^8 m/s d है, 1 है, सपोज 1 ले लो उसको, उसकी जगह. तो यूज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो आपका अकॉर्डिंगली डिस्टेंस आ जाएगा. इतने न्यू यूनिट्स, अब ये कोई नॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं रहा है, तो आप इट डिस्टेंस के साथ मीटर नहीं यूज कर सकते हो, आप लिखोगे इतने न्यू यूनिट्स. ठीक है, चलो काव्या नेक्स्ट बोलो.
चलिए आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, ऑप्टिकल मींस लाइट पे जो वर्क कर रहे। अब वर्नियर कैलिपर में आपको आई वॉज टेलिंग यू दैट डे, वर्नियर कैलिपर एक वो डिवाइस होता है, आपने एक न्यूमेरिकल किया था, स्क्रू गेज वाला भी किया था। अब सपोज कर लो कि आपने एक लाइन की लेंथ निकालनी है, तो वो आप निकालोगे स्केल से। अब आपके पास एक पेंडुलम बॉब है जो स्फेरिकल है, उसकी उसका डायमीटर निकालने के लिए स्केल नहीं ना यूज करते हम, उसके लिए हमारे पास लैब में देयर इज अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। उस वर्नियर कैलिपर से हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर निकाल लेते हैं एंड हेंस रेडियस, और उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। नोट करिए, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर होता है ना जो ऑर्डिनरी मीटर स्केल आपके पास है, 10 divisions are equal to 1 centimeter, so 1 division is 0.1 centimeter. तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट नोट करिए, वो होता है 0.1 centimeter, तभी आपकी रीडिंग एक प्लेस तक आती है। आप किसी लाइन की लेंथ निकालते हो 5.6 centimeter, 5.7 centimeter, लाइक दैट। अगर वर्नियर से हम डायामीटर निकालते हैं तो वो 2 places तक आता है, जैसे 0.01 centimeter इसका लीस्ट काउंट है, नोट करिए। जैसे कि हमारी रीडिंग आती है डायमीटर की 1.95 सेंटीमीटर, 1.92 सेंटीमीटर, ऐसे आती है हमारी रीडिंग, राइट। थर्ड है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है, उससे भी प्रिसाइज है ज्यादा इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बताया था थिकनेस ऑफ हेयर, थिकनेस ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, ऐसी चीजें निकालने के लिए हम स्क्रू गेज यूज करते हैं। तो उसका लीस्ट काउंट नोट करिए, 0.001 सेंटीमीटर, 3 places तक रीडिंग देता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो तो ऑब्वियसली उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है, तो इन डिवाइसेस में से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। एक और माइक्रोस्कोप होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी कहीं ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो 10^5 times उसका रेजोल्यूशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो इस तरह से जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है हम उसको सबसे एक्यूरेट कंसिडर करते हैं, सबसे प्रिसाइज डिस्कस मानते, ठीक है। चलो काव्या, सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट बताइए क्या।